नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट में चल रहे जुए का अड्डा का खुलासा, नगद 59,000 रुपए बरामद, 4 गिरफ्तार। नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 के सामने तेज रफ्तार एक कार ने 2 अन्य वाहनों को मारा टक्कर, पुलिस पर किया गया हमला। सिलीगुड़ी घोसपुकुर स्थित चर्च मोड़ के पास तेज रफ्तार एक कार अनियंत्रित होकर पलट गया, यात्री घायल। लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी तराई डिस्ट्रिक्ट 322F की ओर से आज मकर संक्रांति के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का किया गया आयोजन। This program is brought to you by Dear Saptahik Lottery, केवल 6 रुपया मा अनि जित्नु होस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। Dear Saptahik Lottery, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बागडोगरा नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 के सामने एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर खड़ी 2 गाड़ियों को मारी टक्कर, मौके पर पहुंची पुलिस पर किया गया हमला, 4 गिरफ्तार। बागडोगरा के नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 के सामने तेज रफ्तार एक कार ने ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े एक वाहन को पीछे से टक्कर मार दी। घटना से पूरे इलाके में काफी तनाव फैल गया। इस घटना में लगातार 3 कारें क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने आकर घटना के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर जब बागडोगरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस प्रशासन पर हमला किया गया। बागडोगरा थाने की पुलिस सादे लिवाज में घटना की जांच के लिए पहुंची और मौके से इस घटना से जुड़े रहने के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि जो पुलिस प्रशासन आए दिन कड़ी मेहनत करके हमें सुरक्षा प्रदान करती है, दिन रात अपराध को कम करने के लिए काम करती है, दुर्घटनाओं से बचाने के लिए हमें हमेशा सक्रिय रहती है, ऐसे पुलिस प्रशासन पर हमला करना किस हद तक सही है? सिलीगुड़ी फांसीदेवा में अनियंत्रित होकर 4-पहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त, चालक घायल। एक 4-पहिया वाहन सुबह अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह घटना फांसीदेवा के घोसपुकुर चर्च मोड़ संलग्न 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटी है। आज सुबह घने कोहरे और तेज रफ्तार के कारण 4-पहिया वाहन अनियंत्रित होकर चाय बगान के नाले में जा घुसा। इस घटना में वाहन चालक घायल हो गया। घायल चालक का नाम अनमोल एक्का है। घटना के बाद घायल चालक को बरामद कर सिलीगुड़ी के एक निजी अस्पताल में भेजा गया। सूचना मिलने पर बागडोगरा पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से वाहन को बरामद किया गया। बागडोगरा थाने की पुलिस पूरे घटना की जांच में जुट गई है। सिलीगुड़ी के रेगुलेटेड मार्केट में चल रहे जुए के अड्डा का खुलासा, नगद 59,000 रुपए बरामद, 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन प्रधान नगर थाना पुलिस ने अपने क्षेत्र में हर एक काले कारोबार को खत्म करने के लिए सफाई अभियान शुरू की। इस अभियान के दौरान प्रधान नगर थाने की सफेद पोशाक पुलिस मादक पदार्थ से लेकर शराब और अब जुए के अड्डा सभी को बंद करने में लगी हुई है। सफेद पोशाक पुलिस वर्तमान में थाना अंतर्गत क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में कल रात प्रधाननगर थाना की सफेद पोशाक पुलिस ने रेगुलेटेड मार्केट में चल रहे जुए के अड्डे पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने मंडी के अंदर से जुए के अड्डे से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जहां से कुछ लोग भागने में कामयाब हो गए। पुलिस जुआ के अड्डा से नगद 59,000 रुपए बरामद करने में सफल हुई है। गिरफ्तार चारों आरोपियों के नाम सागर कुमार, संजीत कुमार, रंजित साहा और मुन्ना कुमार है।
पुलिस ने चारों आरोपियों को गैर कानूनी तरीके से जुआ का अड्डा बैठाने और खेलने के आरोप में गिरफ्तार कर आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी तराई डिस्ट्रिक्ट 322F की ओर से आज मकर संक्रांति के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नाम रखा गया हाटे बाजार। आज इस कार्यक्रम में गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए एक विशेष पहल की गई। लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी तराई की ओर से कई गरीब और जरूरतमंद परिवार में फ्री कूपन बांटे गए। कई जरूरी लोगों को 1500 से लेकर 600 तक के फ्री कूपन बांटे गए। आज मकर संक्रांति के अवसर पर क्लब के तरफ से मुफ्त बाजार लगाया गया, जिसका नाम रखा गया हाटे बाजार। इस बाजार में सभी जरूरतमंद लोग अपनी जरूरत के अनुसार क्लब की ओर से दिए गए फ्री कूपन के जरिए सामान ले सके। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे लायंस सुरेश सिन्हल, साथ ही कई अतिथि और लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी तराई के कई सदस्य भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस बाजार में कम्बल, तकिया, बर्तन, घरेलू सामान और कई जरूरी सामान बाजार में आने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए रखे गए थे। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी तराई फैमिली ने अपने आप में एक ये नायाब उपहार लेके आई है। आज 600 लाभार्थी हैं जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से, स्लम से आए हैं, और उनको पहले 600 रुपए का अलग अलग डेनोमिनेशन में कूपन दिए गए हैं। 1500 रुपए के कूपन दिए गए हैं और यहाँ पर 10 स्टॉल लगे हुए हैं जिसमें घर पर उपयोगी वस्तुएं जैसे बर्तन हुआ, कंबल हुआ, बाल्टियां हुई और स्टील के यूटेंसिल्स हुए, साड़ी हुई, ये सब चीजों का व्यवस्था किया गया है। और उनको सम्मान उस फ्री के कूपन के द्वारा जो सामान दिया जा रहा है, उनको ये नहीं लग रहा है कि हम लोग कोई चीज भिक्षा के रूप में ले रहे हैं, बल्कि उनको ये फील आ रहा है कि वो लोग कूपन द्वारा सामान का चयन करके जिस चीज की उनको जरूरत है वो चीजें ले रहे हैं। राजगंज विधायक खगेश्वर रॉय ने पक्की सड़क का किया शिलान्यास। आज राजगंज प्रखंड के सन्यासी काटा ग्राम पंचायत अंतर्गत तेलीपाड़ा से करीब 2.5 किलोमीटर दूर इस सड़क का काम शुरू किया गया। सड़क का निर्माण उत्तर बंगाल विकास विभाग की मदद से करीब 1,94,00,000 रुपए की लागत से किया जा रहा है। इस संबंध में राजगंज विधायक खगेश्वर रॉय ने कहा, यह सड़क एक महत्वपूर्ण सड़क है। क्षेत्र के लोगों ने इस सड़क की मांग की थी। इस सड़क का काम हो चुका है। अगर सड़क बनेगी तो इस क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा होगा। विधानसभा अंतर्गत सन्यासी काटा अंचल तेलीपाड़ा से आकालीगंज এনবিডির মাধ্যমে প্রায় আড়াই কিলোমিটার প্রায় 1,95,00,000 টাকার ব্যয়ে পেপার ব্লক রাস্তার উদ্বোধন করা হলো। আজকের এই উদ্বোধনে আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমাদের ডিপিসি চেয়ারম্যান লক্ষ্মণ রায়, আমাদের মধ্যে ছিলেন রাজগঞ্জ থানার আইসি পঙ্কজ সরকার, আমাদের মধ্যে ছিলেন আমাদের সমাজসেবী এবং শিক্ষক আমাদের ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অরিন্দম ব্যানার্জি, এই অঞ্চলের প্রধান ছিলেন রুমা খাতুন, উপপ্রধান রাম ছিল, এবং আমাদের রোশন হাবিব থেকে, তহমিদার থেকে, মকসেদ থেকে অনেক পঞ্চায়েতরা ছিল। তাই শুভ শিলান্যাস করা হলো। প্রায় এই এলাকার দীর্ঘদিনের দাবি ছিল, সেই দীর্ঘদিনের দাবি আমাদের মা মাটি মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা ব্যানার্জি পূরণ করলেন। কতটা সুবিধা হবে এলাকার? এই রাস্তাটা হয়তো প্রায় 2.5 কিলো মিনিমাম 15,000-20,000 লোকের যাতায়াতের সুবিধা হবে। 15,000-20,000 এটা 3 মাসের মধ্যে কমপ্লিট হবে। দাদা এলাকার একজন পঞ্চায়েত। कुचबिहार में लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर भाजपा खेमे में दरार दिखने लगी है। भाजपा की आईटी सेल की सक्रिय कार्यकर्ता अमृता भट्टाचार्य भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई। अमृता भट्टाचार्य ने आज उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदन गोहा के हाथ से तृणमूल कांग्रेस पार्टी का झंडा थाम लिया। आज तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद अमृता भट्टाचार्य ने भाजपा के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि अगर आप भाजपा में हैं तो आपको काम करने का मौका तभी मिलता है जब आप कुछ खास करते हैं। इसीलिए उन्होंने भाजपा छोड़ दी और तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई।
বিজেপিতে আমি যোগদান করেছিলাম 2018 সালে এবং কাজ করবার ইচ্ছা নিয়েই যোগদান করেছিলাম। কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখলাম যে কাজ করবার জন্য কিছু নির্দিষ্ট মানুষের লবি যদি বহন করা যায় তবেই কাজ করা যায়। স্বাধীনভাবে সত্যিকারের কাজ বলতে যেটা আমরা বুঝি, জনসংযোগ, লোকের সামনে যাওয়া, সেটার সুযোগ কোনোদিনই সেভাবে আমাকে দেওয়া হয়নি। এবং আমি আইটি সেক্টরের মূলত দায়িত্বে ছিলাম, সেখানে আইটি সেক্টরের যে গোপনীয় কাজকর্ম সেটা করতে গেলেও আমাকে অনেকের পারমিশন নিয়েই করতে হয়েছে এবং সেগুলো অ্যাপ্রুভ না হলে আমি সেগুলো পোস্ট করতে পারতাম না। তো যেখানে কাজের স্বাধীনতা নেই এবং মন থেকে কাজ করতে পারছি না, সেখানে থেকে মানুষের সামনে গিয়ে আমি কী উত্তর দেব? সেই কারণেই আমি আমার পুরনো দল, ভালোবাসার দল তৃণমূল কংগ্রেসে আবার ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे, जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर, डियर लॉटरी। আপনার বাড়ি গ্রিলের জন্য কোন সিল নেব বলুন তো? উফ, এখানেও আপনি বিয়েতে মন দিন, বাড়ির গ্রিলের জন্য সঠিক সিল বেছে দেব আমরা। এসে গেল এসআরএমবি রিয়েল বিল্ড, সঠিক দামে পাবেন খাঁটি বিল্ডিং মেটেরিয়াল থেকে সেরা পরামর্শ। ও ছাড়া বাড়ির সব কিছু বেছে দেবে রিয়েল বিল্ড, বাড়ি তৈরির রিয়েল গাইড। মিসেস কে সাথ ভ্যাকেশন লো মুথুট ফাইন্যান্স গোল্ড লোন, ভরসা ইন্ডিয়া কা, ভরসা ইন্ডিয়া কা। মুথুট ফাইন্যান্স ভারত কা নম্বর ওয়ান সবসে ভরোসেমন্দ ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ব্র্যান্ড। গোল্ড লোন কে লিয়ে অভি কল করেন 1-800-313-1212। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. Damro, internationally trusted furniture. Ah! যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নর্মাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নর্মাল নয়। ওপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। देखिए, कल नैन्सी के स्कूल में फीस भरने का दिन है, अब मैं क्या करूं? ऊपर से कल बैंक की भी छुट्टी है। जरा अपना मोबाइल देना। इस मोबाइल में आप क्या करने वाले हैं? मणापुरम लॉकर में जो सोना रखा है वो कब काम आएगा? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। अपनी जरूरत के समय कभी भी हम अपने सोने के मूल्य का पैसा अपने अकाउंट में पा सकते हैं। सोने को मणापुरम लॉकर में रखने से हम भी स्मार्ट बन सकते हैं। अपना गोल्ड मणापुरम लॉकर में रखो, सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाओ। मणापुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. Thank you.
a complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. SIDWAP Siliguri 9434023813. रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म को दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स एउटा विश्वसनीय नाम एकदम रिजनेबल प्राइस में उपलब्ध होने रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म नेक टाइज बेल्ट सॉक्स स्टॉकिंग स्वेटर ब्लेजर जींस टी शर्ट ट्रैक सूट बॉडी वार्मर इनर स्वाल चादर एंड स्कूल बैग शूज केवीएस यूनिफॉर्म ऑल्सो एवेलेबल अझ आउनुहोस् श्री शंकर स्टोर्स में कुदिरमपल्ली हिलकार्ट रोड सिलीगुड़ी श्री शंकर स्टोर्स जो कहीं पनि पाउँदैन त्यो खाली यहाँ मात्रै पाइन्छ। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सोमवार यानी कि कल पौष संक्रांति को देखते हुए सिलीगुड़ी में विभिन्न बाजार सज उठे हैं, जहां महिलाएं ओखल में चावल कूटती नजर आ रही है। उल्लेखनीय है कि इस त्योहार में बनने वाले विभिन्न पकवान व पीठा पुली के लिए चावल का आटा अनिवार्य है। इसी को देखते हुए सिलीगुड़ी में महिलाएं ओखल में व ढेकी में चावल कूटकर आटा तैयार करती है, जो आने वाले कई दिनों तक नजर आएगी। इसके साथ ही बाजारों में तिलकुट व तिल के लड्डू, चूड़ा व मूढ़ी से बने लड्डू भी खूब बिक रहे हैं। বিক্রি কেমন হচ্ছে? ভালো হচ্ছে। কাল পৌষ সংক্রান্তি। হ্যাঁ। মানে কেমন দাম রয়েছে? 80 90 100 ঠিক নাই। লোক আসছে? হ্যাঁ। মানে আসে লোক। ওই যে প্যাকেটের কেনার থেকে এইটার বেশি এইটা এইটা বেশি ভালো পিঠা হয়। আচ্ছা। জনগণ বলে এখানে ঘোরা করো, আমাদের খাওয়াও। আমরা মইরা গেলে কিন্তু শেষ। আর কেউ ঘোরা করবে না এখন কার মেয়ে ছেলে জি। হ্যাঁ এখন তো কেউ করে না। শেষের দিকে এখন আমরা সবকিছু भाजपा सिलीगुड़ी जिला कार्यालय में दार्जिलिंग जिले के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और सोशल मीडिया समन्वय पर एक जिला स्तरीय कार्यशाला संपन्न हुई। उक्त कार्यशाला में प्रतिनिधियों को क्षेत्र के शिल्पकारों की आय बढ़ाने की योजना के तहत सरकारी सहायता के बारे में जानकारी दी गई। अलीपुरद्वार डुआर्स के नगराकाटा चेव धरनी में सिक्किम का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार गैंगटॉक से अलीपुरद्वार की ओर जा रही सिक्किम नंबर की एक गाड़ी दोपहर 2:30 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा पश्चिम बंगाल डुआर्स के नगराकाटा थाना क्षेत्र के धरनीपुर चाय बागान इलाके में हुआ। दुर्घटना के समय वाहन में 5 यात्री सवार थे। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। हादसे में चालक समेत 2 अन्य महिलाएं और 2 पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में जान गंवाने वाली और घायलों की पहचान अभी तक बताई नहीं गई है। केंद्र सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का बढ़ावा देने के लिए कुछ बिहार जिले में भाजपा की ओर से आज केंद्र सरकार विकास रथ यात्रा शुरू की गई। इस विकास रथ यात्रा को शुरू से ही तृणमूल कांग्रेस ने कई बार रोका। आखिरकार यह रथ यात्रा आज कुचबिहार जिला भाजपा कार्यालय से शुरू हुई। यह विकास रथ यात्रा कुचबिहार जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के गांवों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रचार करेगा। भाजपा जिला अध्यक्ष सुकुमार रॉय ने आज रथ का उद्घाटन किया। আমাদের যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প আর সেটা প্রচারের জন্য যে গাড়ি এসেছে আমাদের, সেখানে এলইডি লাগানো আছে। আর সেই গাড়ি আমাদের সারা কুচবিহার জেলায় বিভিন্ন বাজার, বিভিন্ন জায়গায় প্রায় 1.5 মাস ধরে আর সেখানে থাকবে, ঘুরবে, প্রচার করবে। এটা সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারের যে প্রকল্প, মানুষের যেটা সুবিধা পাওয়ার কথা, সাধারণ মানুষ জানে কি না জানানোর জন্য, যে মানুষ সাধারণ মানুষ জানতে পারলে হয়তো আবেদন করবে। আর সেই জন্যই সমস্ত কিছু জানানোর জন্যই, আর গ্রামের মানুষ যেন জানতে পারে কেন্দ্র প্রকল্প কী কী আছে, আর তার জন্যই প্রচার। আর সেটাই আজকে উদ্বোধন হলো। আর এটা প্রায় 46 দিন কুচবিহারে থাকবে, বিভিন্ন বাজারে তার প্রচার করবে। বিধানসভা ভিত্তিক ধরে ধরে তো অবশ্যই, একটা বিধানসভায় গেলে তো আর অন্য বিধানসভায় যেতে সময় লাগবে, ওই বিধানসভা কভার করেই অন্য বিধানসভায় ঢুকবে, একটা বিধানসভা করেই হবে।
जलपाईगुड़ी मैनागुड़ी थाने की पुलिस ने एक निजी कार के साथ दो लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शनिवार रात मैनागुड़ी के इंदिरा मोड़ के पास इलाके से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों को पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों में प्रकाश स्वर्णकार और अनुराग स्वर्णकार शामिल है। आरोपियों का घर बिहार में है। बताया जा रहा है कि वे शिलोंग से लौट रहे थे। उनके पास से 23 किलो 785 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। पुलिस पूरे घटना की जांच में जुट गई है। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया 1 करोड़ 6 रुपया 1 करोड़ केवल 6 रुपया किन्न होस डेयर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपया मा अनि जित्नु होस पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया 6 रुपया 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया 6 रुपया डेयर साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलिने बाटो।